हेलो दोस्तों, मैं मंजीत जीत नीत पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि हरियाणा सरकार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में सरकार अपने कामों में जुट गई है, और जो सरकार के मंत्री और विधायक और सभी विधायक इलेक्शन से पहले बोलते थे कि हम पहली ही कलम से किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे, बिजली का बिल हाफ कर देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट कर देंगे लागू पहली कलम से, लेकिन हुआ उसके उल्ट ही। जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि पहले ये अपने घर का घर भरते हैं, और ताकि इनको 5 साल और उसके आने वाले समय में इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, कुछ ऐसा ही हुआ। भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार में शामिल मंत्रियों के लिए पहली बैठक सौगात भरी रही। प्रदेश सरकार ने सभी मंत्रियों के आवास भत्ते में 20,000 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की है, साथ ही बिजली व पानी के खर्च के लिए 20,000 रुपये मासिक अलग से मिलेंगे। सरकार ने हालांकि सभी मंत्रियों के लिए चंडीगढ़ में आवास का बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन यदि किसी मंत्री को सरकारी आवास नहीं मिल पाता तो उसे अब HRA की मदद से 60,000 रुपये मासिक की बजाय 80,000 रुपये मासिक मिलेंगे। 20,000 रुपये बिजली पानी का खर्च जोड़कर यह राशि 1,00,000 रुपये हो जाएगी। सोमवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों को HRA में बढ़ोतरी का निर्णय बिना किसी विरोध के पारित हो गया, जो होना ही था क्योंकि इन्हीं का फायदा है। इसके अंदर पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में आवास नहीं लिया था, इस बार भी उन्हें अभी तक आवास आवंटित नहीं हुआ। बताया जाता है कि विज ने आवास लेने से मना कर दिया है। वह अंबाला छावनी में लोगों से कनेक्ट रहने की मंशा रोज चंडीगढ़ आवाजाही करते हैं। तो साथियों, जानते हैं कि जनप्रतिनिधियों को इसके अलावा और क्या कुछ मिलता है। मुख्यमंत्री का वेतन, मूल वेतन 60,000 रुपये मासिक, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 60,000 रुपये मासिक, विशेष भत्ता 20,000 रुपये मासिक, वाहन भत्ता 10,000 रुपये, दैनिक भत्ता 60,000 रुपये मासिक, कार्यालय भत्ता 20,000 रुपये मासिक, फोन भत्ता 15,000 रुपये मासिक और मोबाइल भत्ता 15,000 रुपये मासिक, 25,000 रुपये मासिक LTC मिलती है, 2,85,000 रुपये कुल मिलाकर के बनता है। इसके अलावा मंत्रियों का वेतन, मूल वेतन 60,000 रुपये, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 60,000 रुपये मासिक, विशेष भत्ता 15,000 रुपये, वाहन भत्ता 10,000 रुपये, दो स्टेट अलग कार मिलती है, दैनिक भत्ता 30,000 रुपये मासिक, कार्यालय भत्ता 20,000 रुपये मासिक, फोन भत्ता और मोबाइल भत्ता 30,000 रुपये मासिक, LTC 25,000 रुपये, जो कुल मिलाकर 2,40,000 रुपये।